दूसरे में लगाया, तो मुझे वो गुजरा हुआ जमाना याद आ गया जब कॉलेज में डांट पड़ा करती थी, थैंक्स टू यू। और दूसरा सबसे बड़ा जो मैं आपको थैंक्स और धन्यवाद बोलूंगा, कल की जो वो थी हमारी बैंक निफ्टी, मैं बैठा रहा आपकी सिखाई हुई वो सीख मेरे को रही कि नहीं, जब मौका आएगा तब। उस मौका आया और मैंने 3 फुट ले लिए बैंक निफ्टी, वो मुझे अच्छे करीब आराम 9-10 हजार रुपये देंगे। 10,000 रुपए सुकून से, है ना, आराम से, मतलब कोई हाँ हड़बड़ी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बीपी ऊपर आराम से, नीचे नहीं। नहीं आराम से, मेरा एक्चुअली बिजनेस है प्रिंटिंग का, न्यूज़पेपर में सप्लाई है, अरे वाह, पब्लिशर पब्लिश। अब ये एक मेरा एक वो पार्ट टाइम हो गया कि आगे रिटायरमेंट होगी तो घर बैठे बैठे कर सकते हैं एक ये भी बिजनेस, तो सही बात, उस नाते मैं इस दोबारा इसमें सीखने में लगा हूँ। हालांकि वो मेरा काम चल रहा है, उसमें क्या है कि एक ऑर्डर आया न्यूज़पेपर का तो वो फिर नेक्स्ट आएगा 10 दिन बाद, जी जैसे 3-4 न्यूज़पेपर हैं, कुछ पब्लिशर है मेरे पास, तो बस ज़्यादा नहीं इतना ही काम रखता हूँ। चाहूँ तो मैं बहुत कर सकता हूँ पर आई एम नॉट ईगर। दो बच्चे हैं, दोनों लड़कियां हैं, अरे एक वाह, पायलट है, हाँ ओ सन इन लॉ इज आल्सो पायलट एंड अनदर इज शी वाज डीजीएम इन बिग मल्टीनेशनल कंपनी। अरे वाह, आई एम वेरी गुड, एंजॉयिंग इट्स जस्ट लाइक रिटायरमेंट लाइफ रिटायरमेंट लाइफ, एंड आई वेरी एम वेरी हैप्पी टू सी यू इन द वेरी लिटिल एज, छोटी उम्र गुड, में। हाँ ऑफ कोर्स गुरु हो, मुझे वो भी गुरु नानक जी का भी याद आता है ना, गुरु नानक जी के बाबा बुढ़ा थे, बाबा थैंक यू। हाँ बुढ़ा वो 12-14 साल के थे जब जी, हाँ गुरु नानक जी ने के गुरु बन गए थे वो। गुरु बन गए थे हाँ गुरु नानक जी थे, काफी बड़े उम्र के थे और जी, बाबा बुढ़ा छोटे थे, छोटे उन्होंने 5 गुरुओं को गुरु गद्दी पे बिठाया था। थे, ओके। तो मुझे अरे वो भी एक सीन याद आ गया कि भाई यू आर लाइक ए बाबा बुड्ढा फॉर मी। थैंक्स नहीं सर, थैंक यू, बहुत छोटा गॉड हूँ सर, ब्लेस यू। अभी उस लेवल पे कंपैरिजन सही नहीं है, अभी नहीं बहुत नहीं छोटा, कोशिश कर रहा हूँ, रियली मेहनत कर रहा हूँ छोटी उम्र में देखो ज्ञान ज्ञान जी, आना बहुत बड़ी बात, बहुत और अच्छा, सीखना चाहे आप कितनी बड़ी उम्र पे हो सीख सकते हो। सीख सकते हैं। आई एम वेरी थैंक्स टू यू कि मुझे आपने एक ट्रैक दिया तो नहीं था मेरे पास। मैं जनरली 10 अटेम्प्ट में से 8 बार लूज होता था, 2 बार विन करता था, लेकिन अभी जब से ज्वाइन की क्लास 2 अटेम्प्ट लिए मैंने, दोनों में विन। थैंक अरे वाह, फैंटास्टिक सर, ये बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। यू, थैंक यू करें। हाँ हेलो एवरीवन सर, सबसे पहले तो बेसिकली मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया था ये सीखना और यूट्यूब पे आपकी वीडियोस देखी, और यूट्यूब पे काफ़ी कुछ पॉजिटिव और देख करके मैं उसको एनालिसिस करना शुरू किया। और देन एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, और लॉकडाउन के वजह से बिल्कुल फ्री थे तो सोचा कि अपने ऑफिस को ट्रेडिंग बिजनेस में भी किया जाए स्टार्ट। और आपकी ये क्लास में 5 डे सेशन में सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपने बड़े सिंपल वे में बता दिया कि कैसे करना है, जी, लॉस बुक कैसे करना है। कोई नहीं बताता कि लॉस, क्योंकि लॉस सबसे डेंजरस वर्ड है, बट नहीं, आपने सबसे पहले बताया कि लॉस अगर आ रहा है तो बुक करो, और प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए आप बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। और एक चीज और सबसे अच्छी बात कि ज्ञान तो सभी के पास होता है, बट अपने ज्ञान को दूसरों को समझाना, अपनी लैंग्वेज को दूसरों को समझाना, ये एक कला होती है और एक गुरु में ही होती है। आप हमारे मेंटोर हो, गुरु हो, और हमने बना लिया है, थैंक यू, और पहले भी फॉलो करते आ रहे हैं, और अब भी, आगे भी और भी फॉलो करेंगे और करवाएंगे इनफैक्ट, बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप बढ़ रहे हो, अगर आपके साथ खुद अकेले बढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है लाइफ का, अगर सही बात है, आप बढ़ो तो दूसरे भी बढ़े, तब मजा सही बात है, सब आपके साथ। पिरामिड, पिरामिड में एग्जैक्टली, नीचे आपका जो इतना पावरफुल बेस होगा, आप उतना ऊपर जाओगे। और बहुत कॉन्फिडेंस आया सर। बेसिकली मैं ट्रेड अभी वैसे ट्रेड नहीं कर रहा, बट पेपर ट्रेड जरूर कर रहा हूँ, और आपकी जो प्रीवियस स्ट्रेटेजीज हैं तो उनको देख करके मैं एकदम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में हूँ, और इस क्लास के बाद तो अभी शायद अभी बम फूटेंगे तो जी फियर तो नहीं है,